अपर बैक और हमारी गर्दन, इस पे पूरा असर पड़ता है और इसके जो स्टिफ होने की वजह से स्पॉन्डिलाइटिस जैसी जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको कभी नहीं आएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे जहाँ पर भी होंगे। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने शशांक आसन के बारे में बताया था। शशांक आसन को हम कैसे कर सकते हैं, किन कंडीशन में हम शशांक आसन को ना करें और शशांक आसन करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सारी बातें मैंने कल के वीडियो में बताई थी। आज मैं आपको शशांक आसन के ही दो वेरिएशंस बताता हूँ। तो अगर आपने शशांक आसन का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक दिया हुआ है ऊपर और आप जाकर के शशांक आसन का वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो फॉलो करें। तो शशांक आसन के लिए हम वज्रासन में आ जाएंगे जिसमें हम अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने टो को, अपने पैर के अंगूठे को एक दूसरे से टच होते हुए, अपने हील्स को बाहर की तरफ रखते हुए, अपने हिप्स को अपने हील्स के बीच में, अपने हाथों को सामने की ओर, पीठ कमर गर्दन हमारी सीधी, पूरी बॉडी को हम रिलैक्स रखेंगे, अपने राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड की कलाई को पकड़ लेंगे। अपने हाथों को सीधा रखते हुए ही इनहेल, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस अंदर भरते हुए और फिर एक्सहेल करते हुए सांसों को बाहर की ओर छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे की ओर ऐसे आएंगे कि हमारा पेट हमारे थाइस के ऊपर, और धीरे धीरे हम आगे की ओर आए और अपने सर को नीचे मैट से लगाएंगे और अपने हाथों को पीछे की ओर, अपनी सांसों को रोकेंगे यहां पर थोड़ी देर, अपनी कमर पर पूरा ध्यान, हमारी पीठ पूरी स्ट्रेच, थोड़ी देर यहां रुकने के बाद वापस ऊपर की ओर आएंगे। यहां से ही हम इसका दूसरा वेरिएशन करेंगे जिसमें कि हम अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे एक दूसरे से, अपने हाथों को पीछे सीधा रखना है, धीरे धीरे इनहेल, लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे और सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर, धीरे धीरे अपने पेट को अपने थाइस पर, सीने को अपने घुटने के पास और अपने सर को नीचे लगाएं, माथे को नीचे लगाएंगे, हाथों को धीरे धीरे पूरा सीधा और ऊपर की ओर उठाएं। जितना हम इसको ऊपर की ओर उठाएंगे, हमारी अपर बैक, ऊपर की जो हमारी पीठ है उस पे पूरा आराम, हमारी गर्दन पे पूरा स्ट्रेच, थोड़ी देर यहाँ होल्ड होने के बाद और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर आ जाएंगे। ये थे हमारे दो वेरिएशन शशांक आसन के। तो अगर आप शशांक आसन करते हैं तो उसके साथ में आप ये दो वेरिएशंस भी साथ में कर सकते हैं। हमारा पहला वेरिएशन जिसमें हमने अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड के रिस्ट को पकड़ा हुआ था पीछे और आगे की ओर आते हुए अपने सर को नीचे लगाया था, इससे हमारे लोअर बैक की मसल स्ट्रेच होती है, लोअर बैक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती है। हमारा दूसरा वेरिएशन जिसमें हमने अपने हाथों को पीछे, फिंगर्स को अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए नीचे की ओर आए थे, इसमें हमारे अपर बैक, हमारी पीठ ऊपर की जो है और हमारी गर्दन, इस पे पूरा असर पड़ता है और इसके जो स्टिफ होने की वजह से स्पॉन्डिलाइटिस जैसी जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको कभी नहीं आएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो शशांक आसन के वेरिएशन के ऊपर पसंद आया होगा। अगर आप योगा अभ्यास करते हैं तो इन दो वेरिएशन को आप अपने योगा अभ्यास में इंक्लूड करें ताकि आपके शरीर पर ज्यादा से ज्यादा शशांक आसन का प्रभाव पड़े। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर रोज जो नए वीडियोज आते हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।